हाय स्टूडेंट्स, मैं फिर लेकर हाजिर हो चुका हूं आपको चैप्टर 6.2 का एमसीक्यू। क्या मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में 6.2 का एमसीक्यू क्वेश्चन, और आज हमारा 6.2 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं इसके पहले इसका पार्ट वन वीडियो बनाया हूं जिसमें हमारा 4 सम्स मैंने बताया। पार्ट वन में कितने सम्स मैंने बताया है 6.2 का? मात्र 4 सम्स। और उस 4 सम्स से आप उसके बचे 11 सम्स को सोल्व कर सकते हैं। ये भी ट्रिक मैंने दिया है आपको, बहुत अच्छे से बता दिया हूं। काफी स्टूडेंट उसे देखे हैं और काफी अच्छा उसका कमेंट्स भी आया है मुझे। तो यदि आप वो नहीं देखे हैं इसका पार्ट वन वीडियो, तो सबसे पहले पार्ट वन वीडियो जाकर देखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, लिखा हुआ है क्लास 10 चैप्टर 6.2 लिखा हुआ है, वहां विजिट करके आप इसे देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यू बताऊंगा, ओके। और ये जो हमारा होगा 16 से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक नंबर सवाल में 16 का एक जो है, चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर की दर, माने जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्षेत्र होता है उसमें ब्याज का जो दर होता है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समान अथवा असमान दोनों, यानी प्रत्येक वर्ष समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। हो सकता है कि पहले वर्ष में 10% हो, दूसरे वर्ष में 5% हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि प्रत्येक वर्ष 10% ही हो। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, टिक आउट करने वाला है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा समान अथवा असमान दोनों में आप टिक आउट लगा दीजिएगा। ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब चलिए दो नंबर देख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में। चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में क्या होता है कि मूलधन प्रत्येक साल बदल जाता है, ये बदलेगा ही मूलधन, इसको कोई अलग नहीं कर सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। प्रत्येक साल मूलधन क्या होता है, बदल जाता है। कैसे प्रत्येक साल मूलधन बदल जाता है आपको पता होगा, आपने 6.1 चैप्टर देखा है, तो उसमें क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जो मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि इसका ब्याज का ब्याज मिलता है, यानी प्रत्येक साल क्या होता है कि जो ब्याज होता है वो मूलधन के साथ एड हो जाता है, मूलधन के साथ क्या होता है जाकर एड हो जाता है, जिससे प्रत्येक साल चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूलधन होता है बदलते रहता है। तो हम इसको लिख दिए इसका आंसर कि प्रतिवर्ष मूलधन बदल जाता है, प्रतिवर्ष क्या होता है मूलधन बदल जाता है, आपको पता चल गया। अब चलिए तीन नंबर सवाल देख लेते हैं कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या पी एवं प्रत्येक वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 2R होने से इन वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। तो एक वर्ष बाद आपकी जनसंख्या क्या हो जाएगी, देखिए इसको कैसे आसानी से सोल्व हम लोग कर सकते हैं। चलिए लिख देंगे, इसलिए जनसंख्या होगी क्या हो जाएगी जनसंख्या, हम फॉर्मूला जानते हैं पी कोष्ट में 1+R/100 और हमारे क्या होता है एन, एन के जगह पे तो एन ही दिया है, पी हमारा जो है पी ए है और 1+R थोड़ा सा अलग है। आर देखिए क्या लिखा है 2R, 2R की दर से बढ़ रहा है, 2R की दर से क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे प्लस में रखेंगे, जो मैंने यहाँ पे प्लस में रखा है, और आर के जगह पे मैं क्या रख दूंगा 2R को रखूंगा 2R/100 और इधर क्या हो गया एन। अब देखिए ये 2R से ये कट जाएगा, 2 से ये 100 कट जाएगा 50 दान में, यानी इसका रियल आंसर क्या आ जाएगा P कोष्ट में 1+, अब ऊपर में क्या बचा है R बचा हुआ है, तो मैंने लिख दिया R/50 और इधर क्या हो गया एन, और यही हो गया हमारा आंसर। आपको खोज लेना है कि आपके बुक के ये किस ऑप्शन से मैच करना है और ले जाकर उसे सही का निशान लगा लेना है। और यहां पर हम लोगों ने बहुत जल्दी बहुत आसानी से सोल्व कर दिए 3 सवाल, ओके। अब चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए जो सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 को सोल्व करने से पहले मैं उन स्टूडेंट का नाम बताना चाहता हूं जिन्होंने इसके पिछले वाली वीडियो में
सही जवाब दिया था। और हमारा जो सही जवाब आया था, सही जवाब हमारा था दो। ओके, जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका आंसर क्या था, दो था। और सबसे पहला कमेंट जो आया सोनू कुमार का आया, नंबर वन में रहे हैं सोनू कुमार, नंबर टू में बजरंगी साव। बजरंगी साव टॉप थ्री में बने हुए हैं, क्लास एट के स्टूडेंट है, बहुत लेबोरियस है ये स्टूडेंट। और तीन नंबर में कमेंट रहा दीपक कुमार का। तो मैं इन सभी स्टूडेंट को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट का भी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, अब ये जो सवाल नंबर हमारा चार है, दिया है कि एक मशीन का वर्तमान मूल्य 2p रुपया है एवं प्रत्येक वर्ष मशीन का जो मूल्य होता है 2r प्रतिशत कम हो तो 2n वर्ष बाद मशीन का मूल्य होगा। तो हम लिख देंगे, इसलिए मशीन का मूल्य होगा, मशीन का मूल्य क्या होगा, देखिए कुछ नहीं करना है, p लिखिए 1 - r/100 और यहां पर क्या लिख दीजिए, n लिख दीजिए। ओके, देखिए यहां पे जो मूल्य है वर्तमान मूल्य यानी 2p, यानी यही इसका क्या हो गया, मूलधन 2p हो गया। आपको तो यह फॉर्मूला बहुत अच्छे से परिचित है, यदि नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए 6.1 का एकक सम्स मैंने सोल्व किया हूं। इसके अलावा चैप्टर 5, चैप्टर 8, 12, 16, 19, 13 यानी 13 चैप्टर एकक सम्स सोल्व किया गया है। बेलन गोलक शंकु का सम्स मैंने सोल्व किया है, चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। एक भी सवाल मैंने नहीं छोड़ा है, आपको जरूर देखना चाहिए और अच्छा से अच्छा स्कोर लाना चाहिए एग्जाम में। अब चलिए, ये 2r के जगह पे मैंने क्या रख दिया, मैंने r के जगह पे हमारा 2r हो जाएगा 1 - 2r/100 और n हमारा क्या था 2n था, मैंने 2n कर दिया। अब ये इससे कट जाएगा 50 दान में और इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 2p कोष्ट में 1 - r/100 नहीं होगा, ये तो कट गया ना, तो 50 और ये क्या हो गया 2n। ये आपको देख लेना है कि आपके बुक के किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो गया 2p 1 - r/50 कोष्ट बंद 2n, ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, आप उसको लिख दीजिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा उसको और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। और सुनिए, आज के इस वीडियो का प्रश्न सुनिए, ये जो प्रश्न है हमारा हिंदी सब्जेक्ट से है, आप तो हिंदी पढ़ना भूल ही जाते हैं बीच बीच में, हिंदी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हिंदी के व्याकरण पर वीडियो बना दिया हूं, जो इस बार के सिलेबस में आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, वाक्य आ रहा है और उसके बाद आपका कारक आ रहा है और आपका समास, ये जो तीन आ रहा है टॉपिक, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा व्याकरण आपके हिंदी के सिलेबस में। तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा, लिखा हुआ है क्लास 10 हिंदी, आप उसको क्लिक करके देखिए, आप आसानी से पा जाएंगे व्याकरण पोर्शन को। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 5 कैसे बनेगा। कोई व्यक्ति किसी बैंक में 100 रुपया जमा रखकर 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन 121 रुपया पाया तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर होगा, यानी 100 रुपया रखा था और 2 वर्ष के बाद कितना पाया है, 121 रुपया पाया है। तो हमको दर बताना है, इस तरह के सवाल आपने 6.1 में बनाया है, आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं, डायरेक्ट इसको हम एटीपी कर देते हैं, क्या है p 1 + r/100 और इधर क्या हो गया n बराबर, ये टोटल कितना आया है 121। आपको पता है कि ये फॉर्मूला किसका है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये मिश्रधन का फॉर्मूला है, यानी ये a का फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला है ये, और ये जो हमारा 121 दिया है ये अमाउंट ही तो दिया है। तो चलिए मैं इतना बराबर इतना लिख दिया। अब देखिए हमारा p का मान क्या है, यहां पर 100 लिखा, उसके बाद 1 + r का मान क्या दिया हुआ है, r का मान हमारा है, r का मान पता नहीं है, r ही तो निकालना है हमें, r / क्या हो गया 100 और n का मान देखिए 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष
बराबर 121। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है 1 + r/100 और इधर हो गया स्क्वायर बराबर, ये जब इधर जाएगा समीकरण के रूल के अनुसार तो ये बटा यानी भिन्न में बदल जाएगा। ओके, अब ये देखिए यहां पर स्क्वायर है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + r/100 और ये हमारा बन जाएगा 121/100 का अंडर रूट हो जाएगा, 121 बाई क्या हो जाएगा 100 का अंडर रूट हो जाएगा। और क्यों अंडर रूट होगा, आप जानते हैं कि यहां पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर के इधर वाली संख्या के ऊपर एक छतरी जैसा अंडर रूट बना देगा, आप अच्छे से जानते हैं। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 + इसको लिखना है r/100, 21 किसका स्क्वायर होता है 11 का, 121 और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, लिख दिया आपने ओआर किया। अब चलिए यहां पर मैंने r/100 लिखा बराबर ये 11/10, जब ये इधर गया 1 तो माइनस क्या हो गया 1 हो गया, फिर r/100 बराबर यहां लॉसन ले लीजिए 10 हो गया, तो 11 - 1 क्या हो गया 10 हो गया। अब चलिए यहां पे इतने जगह में बन जाएगा ये आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आर बाय क्या बचा है 100 बराबर ये 1 / क्या हो गया 10। आप जानते हैं कि अगर ये नीचे नीचे कटेगा तो हम काट देंगे, ये ऐसे गुणा हो गया यानी ओ आर, आर बराबर क्या हो गया आपका ये गुणा होके 10, यानी यही हो गया आर बराबर 10%, इसलिए दर बराबर 10%, यही हो गया आपका फाइनली आंसर। मैं ऐसे लाइन टान टान के बनाया हूं, आपको ऐसे बनाना नहीं है, आप यहां से शुरू कीजिएगा फिर इसको नीचे बनाइएगा आप फिर उसको नीचे बनाइएगा, ऐसे लाइन टान के आपको नहीं बनाना है, अच्छा नहीं लगता, सीरियल से बनाना है बहुत अच्छा लगेगा। बोलोगे सर आपने क्यों बनाया बोर्ड पे, मैंने इसलिए बनाया जगह कहां है मेरे पास, ठीक है। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारा जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा जब इनकम आने लगेगा हमारा तो हम क्या करेंगे बड़ा बोर्ड लेंगे, तो हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो कर सके। अभी तो जितना भी मैंने लगाया खुद अपना लगाया हूं काफी ज्यादा, इसमें मैं आप लोग को बताने के लिए काफी ज्यादा खर्च भी किया हूं, तो इसको ग्रो कराइए इस चैनल को। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथ करा रहा हूं, आने वाले दिनों में और भी चैप्टर मैं जरूर कराऊंगा, तो आप हेल्प कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अब हम चलेंगे इसके अगले सवाल पर बिना वक्त लगाए। लगता है मैंने हिंदी का जो क्वेश्चन पूछने वाला है मैं पूछा नहीं हूं, आई थिंक याद नहीं आ रहा है, भूल गया मैं पूछा हूं कि नहीं पूछा हूं, चलिए अगर नहीं पूछा होगा तो पूछ लेता हूं या पूछ दिया हूं तो कोई बात नहीं। देखिए जो मेरा हिंदी का प्रश्न था, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कमेंट कीजिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है, क्या आपको बताना है पुराणों की संख्या कितनी है। आप सोच रहे हो कि सर ये पुराण कहां से हिंदी में आ गया, अरे है बाबा, जो आप पार्ट 1 देखते हैं रैदास के पद, उसी में तो पुराणों के बारे में बोला गया है ना, तो उसी से ये रिलेटेड है, आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कुल कितनी है, कमेंट करके जल्द से जल्द, ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। चलिए अब आगे कुछ सवाल को हम लोग देख लेते हैं। बी नंबर का, निम्नलिखित सत्य है या गलत लिखे, चलिए इसको समझ समझ के सत्य या गलत लिख देना है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। निर्दिष्ट परिमाण रुपए की निर्दिष्ट वार्षिक ब्याज दर से निर्दिष्ट समय की चक्रवृद्धि ब्याज यो साधारण ब्याज से कम होगा, ऐसे लिखा है ना, दिमाग चक्कर करने लगा मेरा पढ़ के, दम चक्री जैसा घूम गया, चक्रवृद्धि यानी चक्कर। देखिए ये जो लिखा हुआ है मैं समझा देता हूं अपने बोलचाल की भाषा में, ये सवाल बोलना चाहता है कि पैसा समान है, ठीक है, यानी मूलधन समान है, दर समान है, और समय भी यदि समान रहे, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, समान है, तो ये बताइए कि जो साधारण ब्याज होगा और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या ये दोनों आपस में समान आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, जब समय क्या रहता है समान रहता है, पैसा समान रहता है, ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से ज्यादा आता है। कब ज्यादा आता है, 1 वर्ष के बाद, अगर क्वेश्चन में दे दे कि 1 वर्ष का समय है, मूलधन समान है, दर समान है, तो क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होगा, हमारा आंसर होगा यस, बट
अगर एक वर्ष के बाद अगर दो वर्ष या तीन वर्ष, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं मेंशन किया है कि कितना समय के बाद दोनों समान है या नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको गलत मानेंगे, क्योंकि हमेशा साधारण ब्याज से क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्यादा होता है, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में निर्दिष्ट समय के अंतर पर ब्याज मूलधन के समान मूलधन के साथ योग किया जाता है, इसी कारण मूलधन का परिमाण क्रमशः बढ़ता जाता है। इसमें देखिए बोलना चाह रहा है कि एक निर्दिष्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन होता है वो क्या समय दर समय उसका जो ब्याज होता है मूलधन के साथ जुट जाता है, जिसके वजह से उसका जो मूलधन का परिमाण होता है वो बढ़ जाता है। बात सही बोला है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि जो उसका ब्याज आता है वो मूलधन के साथ जाके जुट जाता है, जिसके वजह से प्रत्येक साल क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का जो मूलधन होता है बढ़ते जाता है। वही चीज इसमें बोलता है, बोला गया कि यही वजह है क्या बढ़ने का, बिल्कुल सही बोला है, और ये कथन हमारा क्या है, सत्य हो गया। ठीक है, अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आगे हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति में सी नंबर में निर्दिष्ट रुपए का वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का मान सरल ब्याज के मान से होता है। देखिए इसमें एक वर्ष के बारे में बोला है, जो मैंने अभी बताया एक वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का मान क्या आता है, समान आता है, तो यहां पर मैंने क्या लिख दूंगा, समान। ओके, आप इसे जरूर समझे होंगे और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर कीजिए, जरूरी है लाइक करना, बहुत मेहनत करता हूं सवाल लिखने में ना, यह हाथ दर्द करने लगता है मेरा, इतना प्रॉब्लम होता है सवाल लिखने में, काफी टाइम भी लगता है, लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं संग संग आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो आप क्लिक करके उस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सके और मैथ में अच्छा स्कोर ला सके। तो चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और चलिए हम बढ़ चलते हैं अगले रिक्त स्थानों में। हमारा दो बचा हुआ है, एक तो मैंने बता दिया और ये दो और तीन दिया कि समय के साथ क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि समय के साथ किसी निर्दिष्ट वस्तु का निर्दिष्ट ब्याज में वृद्धि होने से वृद्धि कहलाती है, तो समान दर, क्या लिख देंगे इसको, समान दर। समान दर माने समान दर से क्या होती है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, और तीन नंबर दिया है कि समय के साथ किसी निर्दिष्ट ब्याज दर में कमी होने से वह समदर कहलाती है, तो यानी क्या हो जाएगा, कमी कहलाती है। ओके, समदर कमी कहलाती है, तो आप इसे जरूर समझ गए होंगे। अब देखिए 17 का 17 यानी ऐसे शॉर्ट आंसर जो है 17 का जो एक नंबर सवाल है, आप सवाल को ध्यान से देखिए, 17 का एक नंबर सवाल को देखिए और 16 का पांच नंबर सवाल देखिए, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, यदि उनमें अंतर है तो संख्या का अंतर है और आप खुद बनाओगे, मैं तो बनाने वाला नहीं हूं, आप इसे खुद ही बनाओगे, और यानी 17 का एक जो है 16 का पांच नंबर जैसा बनेगा, बनाकर आंसर कमेंट करना है बाबू जल्द से जल्द। और चलिए हम अब चलेंगे 17 का दो नंबर सवाल पे, नोट डाउन कर लीजिए कि 17 का जो एक नंबर सवाल है 16 का पांच नंबर जैसा बनाना है और कमेंट करके सर को बताना है कि इसका आंसर क्या रहा है। चलिए अब बढ़ चलते हैं हम लोग अगले सवाल दो है, काफी कंफ्यूज करने वाला है, इसको अलग अलग तरीका से बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा, सबसे इजी तरीका बताऊंगा, आपको बशर्ते वीडियो ध्यान से देखना है। देखिए क्या दिया हुआ है कि वार्षिक निर्दिष्ट प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया तीन वर्ष में दो गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह चार गुना हो जाएगा, एन वर्ष में क्या होता है दो गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, और निर्दिष्ट बोला है माने एक निश्चित बोला है, मूलधन बोला है, दर बोला है। ठीक है, एन वर्ष में दुगुना तो कितने वर्ष में चार गुना हो जाएगा, यही बात हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए मैं लिख दिया कि माना मूलधन बराबर हमारा क्या हो गया, माना मूलधन बराबर एक्स रुपया। ठीक है,
दर बराबर मैंने लिख दिया, दर बराबर 8%, और चलिए इतना हो गया। तो ये हुआ क्या है कि चूंकि n वर्ष में मूलधन दोगुना, n वर्ष में क्या हो रहा है, दोगुना एवं q वर्ष में 4 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में क्या होता है, q गुना हो जाता है, ठीक है। एक वर्ष में दुगुना होता है और q वर्ष में 4 गुना हो जाता है। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसानी से। चलिए मैंने लिख दिया प्रथम शब्द, प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त से हमारा क्या हो जाएगा, जो पैसा बोला था यानी मैंने एक्स लिखा जो हमारा मूलधन है और 1 + r/100, और यहां पर मैंने क्या लिखा हूं, कितने वर्ष में, एन वर्ष में 2 गुना, माने यहां पर मैंने एन लिखा और यहां पर मैंने क्या लिखा 2x। तो देखिए ये इसे क्या हुआ, कट जाएगा, दोनों तरफ एक्स है, आराम से कट जाएगा। ओ आर मैंने आया कि हमारा 1 + r/100 और ये क्या हो गया n बराबर आया है 2। ये मैंने समीकरण 1 कर लिया, ओके। और दूसरे शर्त में हमारा क्या बोला है, हेडिंग बना लेते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से हमारा क्या हो जा रहा है, बोला है मैंने, मान लिया है कि q वर्ष में क्या हो जाएगा 4 गुना, तो हम लिख सकते हैं ये वाला x है 1 + r/100। ये कब हुआ है, ये n तो समय होता है, तो मैं n की जगह पे क्या रख दूंगा q, q वर्ष में हमारा क्या हो जा रहा है 4x हो रहा है, x से x कट गया, ओके। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 + r/100, और यहां पर मैंने q किया बराबर। आपको पता है कि ये 4 जो बचा हुआ है ना, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर में, इसका भी रीजन है क्यों लिखा गया है। अब देखिए यहां पर जब 2 है तो देखिए यहां पे 2 बराबर क्या आया है, इतना 1 + r/100 / n आया है, 2 का मान, या इसका मान हम बोल सकते हैं 2 आया है या 2 का मान ये आया है, तो ये 2 का मान जो है ना यहां पे पुट अप कर देंगे हम, ये जो 2 का मान है ना यहां पर हम ले जाके रख देंगे। देखिए कैसे, मैंने लिखा 1 + r/100 और ये क्या हो गया q बराबर 2 का मान क्या है, चलिए लिख दीजिए इसको, एक आपको मतलब ब्रैकेट में घेर देता हूं मैं, क्योंकि छोटा ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा आपको, 1 + r/100 और ये जो हो गया n, इसको मैंने घेरा और ये आ गया 2। अब बोलोगे सर 2 का मान रख दिया यहाँ पे, तो ये 2 कहां से आ गया, ये पावर है ना ये वाला, देखिए ये पावर यहाँ पे रख दिया, ये 2 का मान जो था मैंने इसको लिखा, इसको सोल्व करूंगा थोड़ा तो क्या आ जाएगा 1 + r/100 और यहां पर क्या है q बराबर, इसको सोल्व कर लीजिए तो आ गया 1 + r/100 और ये 2 गुणा हो गया, क्या हो जाएगा 2n हो गया। अब देखिए आप लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़े हैं कि जब दोनों तरफ ऐसे मिल जाएगा ना तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट हो गया, कट हो गया आपका क्या आ गया q बराबर 2n। हमसे यही पूछा था कि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो मैंने माना था कि q वर्ष में, देखिए यहां पे लिखा हूं मैं q वर्ष में 4 गुना और q का मान क्या आ गया है 2n, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए 4 गुना होगा, 4 गुना होगा कितने वर्ष में, 4 गुना होगा आपका 2n वर्ष में, 4 गुना होगा 2n वर्ष में, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए और बढ़ चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 है, देखने से तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन उतना आसान नहीं है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना होगा ताकि यदि एग्जाम में भूल से भी आ जाए ना तो आपका जो इसका मार्क्स होगा आपके पॉकेट में होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, दिया कि वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुछ रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 हो तो मूलधन निर्णय करें, यानी ये जो
615 है, ये क्या है? ब्याज है, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि माना मूलधन बराबर 100 रुपया। क्या मान लिया? 100 रुपया। इसलिए इसका ए, ए माने समूल चक्रवृद्धि, ए का ही तो फॉर्मूला होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज में, पी 1+R/100 और पावर ये क्या हो गया एन। यानी चलिए पी के जगह पे हम क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिया है, 1+R हमारा कितना है 5/100 और एन हमारा क्या है, एन हमारा 2 है, ओके। तो एक्स हो गया और ये क्या हो गया जुट कर 105/100 बाय क्या हो गया 2 हो गया और फिर बराबर एक्स हो गया, ये दोनों कट कर दीजिए 5 से, 21 और क्या आ गया 20 आ गया। तो यहाँ पे क्या आया 21/20 का पावर 2, यानी एक्स इंटू 21/20 गुणे 21/20, ठीक है। अब गुणा करते हैं 21 में, अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा 441x/20 गुणा होकर क्या हो जाएगा 400 रुपया। और ये आया क्या है, ये आया है आपका मिश्रधन आया है, यानी ये आया है अमाउंट आया, तो हमें यहां से ब्याज चाहिए ना, इसलिए ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है, ए माइनस पी होता है, यानी ए माने मिश्रधन और पी माने मूलधन यानी प्रिंसिपल। ए का मान हमारा आया है 441x/400-। पी, पी के जगह पर मैंने एक्स रखा था, चलिए इसका लॉसा क्या हो गया 400 और ये क्या हो गया 441x-। ये तो 401 से 400 दान में कटेगा तो ये गुणा होकर क्या हो जाएगा 401, इसको घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 41x/400, ठीक है। अब इसको एटीपी हम करते हैं, एटीपी करेंगे यानी 41x/400 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यही ब्याज आया है ना, ब्याज कितने के बराबर है 615 रुपये के बराबर है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुणा करना है, 41x/615×400 अभी बनने वाला है, घबराइए मत, बन गया ये, बस हो गया 615×400 बटा क्या हो गया 41। अब देखिए ये इससे कट रहा है क्या, ये इससे कट जाएगा आई थिंक, हम लोग को लग रहा है कि एक दान में पहले फिर 20 और फिर 5 दान में, यानी 15 दान में कट गया, 15 को 400 में गुणा कीजिए यानी 15×4=60 हो गया और ये उसके बाद 2 0 यानी इतना रुपया, ठीक है। x का मान क्या आ गया 6000 रुपया, तो आप लिख सकते हैं इसलिए मूलधन बराबर 6000 रुपया, यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। मैंने बहुत इधर उधर करके बनाया, आप पहले ये बनाइएगा फिर ये वाला नीचे आ जाएगा, उसके नीचे ये आ जाएगा, आप इसे जरूर समझोगे, वीडियो को लाइक कीजिए। ये जो सवाल नंबर आप 4 और 5 देख रहे हैं ये बिल्कुल एक जैसा है, काफी कंफ्यूज करने वाला है और इस बार के एग्जाम में ये आएगा, आप मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस बार के एग्जाम में दोनों में से कोई एक सवाल जरूर टच कर रहा है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। यदि आना तो है और इसके नंबर को अपने पॉकेट में अपने मार्कशीट में जोड़ लेना है, ये या एक नंबर में आए, दो नंबर में आए, जिस नंबर में भी आए, इसको आपको जरूर बनाना है, सही बनाना है। दिया है कि प्रति वर्ष 8% कमी होने से एन वर्ष बाद किसी मशीन का मूल्य ₹20 हो तो, यानी एन वर्ष बाद क्या हुआ ₹20 है तो एन वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना था, तो हम लिख देंगे कि माना एन वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना हो रहा है, मशीन का मूल्य आपका एक्स लिख दीजिए, ठीक है एक्स। इसलिए एन वर्ष बाद मशीन का मूल्य, एन वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला पी पोस्ट में 1 माइनस करेंगे, केपी घट रहा है, क्या हो रहा है पी 1-R/100 और इधर क्या हो गया एन, और ये किसके बराबर है एन वर्ष बाद इसका कितना दाम हो जा रहा है भी के बराबर हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एन वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य हो जा रहा है भी, तो एन वर्ष पूर्व, तो मैंने एन वर्ष पूर्व कितना मान लिया एक्स, तब यहां पर मैं क्या रख दूंगा ओ आर किया और पी के जगह पर मैंने एक्स रख दिया
और ये क्या हो गया 1 माइनस आर बाई 100 और यहां पर क्या हो गया n बराबर v। अब हमको x का ही मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा v बटा 1 माइनस आर बाई 100, ये क्वेश्चन में रहेगा, इसका पावर क्या है n। लेकिन ऐसा आंसर आपका नहीं दिया हुआ है, ये भी आंसर हो सकता है लेकिन आपका आंसर कैसे दिया हुआ है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर, आप जब लॉ ऑफ इंडिसेस बनाए हैं क्लास 9 में चैप्टर नंबर 2, तो मान लीजिए अगर कोई संख्या है यहाँ पर x है और x का पावर इधर नीचे क्या है 2 है, तो जब ये ऊपर जाता है तो इसको हम कैसे लिख देते हैं x गुणे x का पावर क्या हो जाता है -2, यानी जब कोई संख्या ऊपर जाती है तो इसका पावर क्या हो जाता है, देखिए गुणा हो रहा है, अब पावर जब प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, वही केस यहाँ पर आपको कर देना है और कुछ नहीं करना है, बस कर दीजिए भी 1 माइनस आर बाई 100 और ये पावर क्या हो जाएगा माइनस n। देखिए यहाँ पर पावर प्लस में है n और ये माइनस में n हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब दो नंबर सवाल को देख लेते, मैंने पांच नंबर सवाल को देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह है कि प्रति वर्ष 8% जनसंख्या वृद्धि होने से, इसमें कमी हो रहा था इसमें वृद्धि होने से, n वर्ष बाद यदि जनसंख्या पी हो तो n वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, लिख देंगे माना, लिख दीजिए ना माना n वर्ष पूर्व जनसंख्या, n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या लिख दीजिए, मान लीजिए ना कुछ भी एक से मान लेता हूं एक से, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा n वर्ष बाद, n वर्ष बाद जनसंख्या, n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला जो आप फॉर्मूला जानते हैं p पोस्ट में 1 प्लस आर बाई 100, इसमें प्लस होगा क्योंकि वृद्धि दे रहा है जनसंख्या वृद्धि, इसमें क्या था कमी दिया था इसीलिए माइनस था n, और ये कितना के बराबर हो रहा है p के बराबर, यानी n वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जा रही है, n वर्ष बाद जनसंख्या यदि p है तो देखिए इतना बराबर ये p, आप बोलो सर 2 को p, ये मैं p क्या है जो इसका मान x है तो इसको x रख दूंगा, मैंने यहां पे रखा ओआर, यानी x कोष्ट में क्या हो गया 1 प्लस आर बाई 100 और इधर हमारा क्या हो गया n बराबर क्या हो गया p हो गया ओआर, यानी x बराबर बिल्कुल इस तरह ही बनेगा, सेम टू सेम इसके जैसा बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, तो p बटा क्या कर दीजिएगा 1 प्लस आर बाई 100 और ये कोष्ट बंद हुआ हमारा और ये लिखाया n, हाँ अब इसको हम ऐसे बदल देंगे तो क्या हो जाएगा p कोष्ट में 1 प्लस आर बाई 100 और पावर क्या हो जाएगा माइनस n, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इन दोनों सवाल को जरूर समझे होंगे और यहीं पर हमारा खत्म हो जाता है चैप्टर नंबर 6.2 खत्म हो जाता है, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि मैं अगली वीडियो किस चैप्टर पे बनाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग का ऐसे अंकगणित का सीरीज चल रहा है तो हम लोग चैप्टर नंबर 14 ही सोल्व करेंगे क्योंकि 2 चैप्टर सोल्व हो गया है, नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एक अब सवाल 6.1 सोल्व हो गया, 6.2 सोल्व हो गया और 14 चैप्टर जो आपका अंकगणित है अरिथमेटिक है उसको मैं सोल्व करूंगा, उसके बाद देखता हूं कौन सा चैप्टर हमें सोल्व करना होगा आपके कमेंट के माध्यम से। अभी चैप्टर नंबर 14 चलेगा, आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि चैनल मेरा ग्रो कर सके और कुछ मेरा मेहनत का फल मिल सके, यानी कुछ यार क्या हो सके कि अच्छा लगे मुझे, अगर ग्रो करेगा तो चैनल और मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्या करूंगा पढ़ाऊंगा, अच्छा लगेगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।